दिल्ली में फिर से सड़कों की सफाई वैक्यूम क्लीनर से होगी। दो हफ्ते के अंदर पीडब्ल्यूडी के अधीन आने वाली सड़कों की सफाई वैक्यूम क्लीनर से की जाएगी। अधिकारियों से बैठक के बाद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इस बात की जानकारी दी। पाकिस्तान जासूसी कांड में दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम दो आरोपियों को लेकर मंगलवार को नागौर पहुंची। सुभाष और रमजान नाम के दोनों आरोपी नागौर के रहने वाले हैं। स्पेशल टीम ने दोनों आरोपियों के घर और दुकानों पर छानबीन की। बताया जा रहा है कि इस दौरान एक और युवक को हिरासत में लिया गया है। दिवाली के दो दिन बाद भी दिल्ली में वायु प्रदूषण के स्तर में ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। हालांकि धुंध और प्रदूषण में थोड़ी कमी दर्ज की गई है, लेकिन अभी भी आनंद विहार और आरकेपुरम इलाके में प्रदूषणकारी तत्व PM 2.5 और PM 10 का स्तर बहुत बढ़ा हुआ है। दिल्ली में सभी गांवों के जमीन से जुड़े रिकॉर्ड अब ऑनलाइन हासिल किए जा सकते हैं। अब लोगों को जमीन से जुड़े कागजात हासिल करने के लिए रेवेन्यू दफ्तर के चक्कर नहीं लगाने होंगे। दिल्ली में कुल 356 गांव हैं। dlrc.delhigovernment.nic.in पर जमीन से जुड़े रिकॉर्ड डाउनलोड किए जा सकते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को यमुना घाट पर मंत्रियों के साथ महाआरती की। इसके साथ दिल्ली सरकार ने 200 करोड़ की यमुना रिवर फ्रंट योजना की घोषणा की। इस प्रोजेक्ट के तहत सोनिया विहार पुश्ते पर करीब 5 किलोमीटर लंबा रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए आज टीम का चयन होगा। तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा की टीम में वापसी हो सकती है। सिलेक्टर्स गौतम गंभीर पर भी फैसला करेंगे। मुंबई में राष्ट्रीय चयन समिति की बैठक में टीम का चयन होगा। 9 नवंबर से 5 टेस्ट मैचों की सीरीज शुरू होगी। मुंबई में बलोच नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पाकिस्तान के जुल्मों की कहानी बताई। वर्ल्ड बलूच फोरम के अध्यक्ष नायमी कादरी ने बलूचिस्तान की आजादी का समर्थन करने के लिए पीएम मोदी का शुक्रिया अदा किया। कादरी ने बताया कि पाकिस्तान बलूचों के खिलाफ रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। फिल्म अभिनेत्री पूजा भट्ट के पाकिस्तान के कराची में दिवाली मनाने को लेकर विवाद हो गया है। राज ठाकरे की पार्टी MNS ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। MNS प्रवक्ता बागीश सारस्वत ने कहा कि पूजा भट्ट को पाकिस्तान का पासपोर्ट ले लेना चाहिए। बीती रात मुंबई के वर्ली इलाके के मैराथन टावर में भीषण आग लग गई। इमारत के 8, 9 और 10वें फ्लोर पर आग फैल गई। दमकल की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। इमारत के वॉचमैन के मुताबिक पटाखों की वजह से आग लगी। आज बॉलीवुड के किंग खान का 51वां जन्मदिन है। शाहरुख खान की एक झलक पाने के लिए उनके बंगले मन्नत के आगे फैंस जमा हो गए। किसी ने केक काट कर तो किसी ने शाहरुख का पोस्टर हाथ में लेकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। हालांकि फैंस को निराशा हाथ लगी क्योंकि शाहरुख अपने बंगले में नहीं थे। उन्होंने अलीबाग में अपने परिवार के साथ अपना जन्मदिन मनाया।